हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, अगर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे ना, तो रोज़ न्यूज़पेपर में आता है कि बजट आने वाला है, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ एक ये भी चीज़ है कि इकोनॉमिक सर्वे भी आने वाला है। हर किसी को इस चीज़ की वेट है। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे लिखा, ठीक है, अलग अलग यूट्यूब कॉमेंट्स के ऊपर कि सर थोड़ा समझा दीजिए कि आखिर ये इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, ये बजट क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने मेरे से पूछी थी। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, आप सभी की एज पर योर डिमांड ओनली मैंने प्लान किए हैं कुछ आने वाले दिनों के अंदर कुछ वीडियोस, ठीक है। मैं अगर आपको वीडियो के नेम्स और उनका डेट्स बता देता हूं, तो आज जो आप जानते हो आज क्या है, 29 जनवरी, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, इसकी जो स्टैटिक पार्ट है ना, इसकी जो टेक्निकलिटीज है वो समझने की कोशिश करेंगे। फिर कल हम डिस्कस करेंगे कि ये बजट क्या होता है, बजट के जो अलग अलग स्टैटिक कॉम्पोनेंट्स हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बजट को कैसे लेकर आया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, वो हम डिस्कस करेंगे 30 जनवरी यानी कि कल को। फिर 31 को ना हमारा इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअल में आ जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे की कुछ हाइलाइट्स होंगी, वो हाइलाइट्स हम 31 को करेंगे कि क्या क्या इस बार का इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है, क्या थीम है, ये सारी बातें। फिर 1 फरवरी को हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, वो बजट प्रेजेंट करेंगी। तो बजट की कुछ जो की हाइलाइट्स होंगी ना, वो हम डिस्कस करेंगे 1 फरवरी को। तो अगले 4 दिन आप लोग मेरे साथ ही जुड़े रहेंगे, जहां पर हम ये सारी चीजें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या चीजें, इनका मीनिंग क्या है, और सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आज डिस्कस करते हैं क्या, इकोनॉमिक सर्वे। तो देखो, जब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक सर्वे की, तो एक तरह का ये क्या है, एक एनुअल डॉक्यूमेंट है। एनुअल मतलब हर साल आता है, और कब आता है, जब बजट से एक दिन पहले। मैंने बताया ना बजट कब आ रहा है, 1 फरवरी को। तो उससे एक दिन पहले, दैट इज 31 जनवरी को, आपको इकोनॉमिक सर्वे देखने को मिलेगा, जो साल में एक बार आपको मिल जाएगा। अब यहां पर होता क्या है, ये इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक देता है प्रीवियस ईयर का। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि पिछले एक साल के अंदर, जो अभी एक साल हुआ ना पिछला वाला, उस एक साल के अंदर हमारी इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, हमारी जो गवर्नमेंट थी उसकी जो अलग अलग स्कीम्स थी उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, अलग अलग जो हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे, हाउ डिड दे गो अबाउट, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ एक तरह का आउटलुक भी हमें देखने को मिलेगा कि आने वाले टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ तरह के सजेशंस हैं, ये सारी बातें भी यहाँ हमें देखने को मिल जाती है। तो कहने का पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक सर्वे एक तरह का आपका रिपोर्ट कार्ड हुआ, ठीक है। कि रिपोर्ट कार्ड मतलब कि कैसा होता है ना, आप सभी का भी कि आप जानते हो, पहले हमारा रिपोर्ट कार्ड आता होता था जब आप छोटे क्लासेस में थे कि आपने साल भर में कैसा परफॉर्म किया है, उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, यूनियन बजट से पहले इसको प्रेजेंट किया जाता है, बिफोर द पार्लियामेंट, इट इज वन ऑफ द फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ अवर गवर्नमेंट, ठीक है। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में अगर आप रिलाइज करोगे, तो पहला बार जो इकोनॉमिक सर्वे था वो 1950 और 51 वाले साल में हमें देखने को मिला था। उस टाइम पर क्या होता था ना, जो इकोनॉमिक सर्वे था वो बजट का ही एक हिस्सा होता था। जैसे मान लो बजट प्रेजेंट हुआ, तो बजट के साथ ही इकोनॉमिक सर्वे दे दिया। पर 1964 के बाद क्या स्टार्ट हुआ, एक थोड़ी अलग प्रैक्टिस हुई। उसमें क्या हुआ, बजट अलग से प्रेजेंट हो रहा है, इकोनॉमिक सर्वे उसे डीकपल कर दिया गया। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे अलग, बजट अलग। तो इकोनॉमिक सर्वे एक दिन जब प्रेजेंट होता है बजट से पहले, ये कब से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 1964 के अंदर, ठीक है ना। तो तब से एक तरह का ये नॉर्म बन गया है कि इसी तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि पार्लियामेंट के अंदर इसको कौन प्रेजेंट करता है, इसको पार्लियामेंट के अंदर जनरली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, वो ही इसको प्रेजेंट करती हैं। थोड़ा सा और देखें, देखो आप रियलाइज करते होंगे कि बजट जो है ना, वो हमारे कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा वर्ड मेंशन नहीं है, ठीक है। बजट के अंदर, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। पर ऑन द अदर हैंड, जब मैं बात करता हूं इकोनॉमिक सर्वे की, तो इस तरह का कोई भी शब्द हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह से कोई भी लॉ नहीं है हमारे पास जहां पर लिखा हुआ है कि हमें इकोनॉमिक सर्वे लेकर ही आना है। समझ आई बात, पॉइंट ये है कहने का कि कल को अगर हमारी सरकार को लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे ना लेकर आए तो क्या चल जाएगा, इज इट ओके इफ दे डोंट ब्रिंग द इकोनॉमिक सर्वे, द आंसर इज यस। क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ना संविधान में भी लिखा हुआ है, ना ही किसी लॉ में लिखा हुआ है कि हमें इकोनॉमिक सर्वे लेकर आना मजबूरी ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट का मन करे तो वो इसको मना भी कर सकती है कि नहीं लेकर आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। वेयर एज जो बजट है या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट को लेकर आना कंपलसरी है। अब अगर थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करें कि इसको आखिर तैयार कौन करता है इकोनॉमिक सर्वे को, तो
देखो एक चीज रियलाइज करना, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना उसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। मैं थोड़ा सा अगर आपको समझाऊं तो देखो, अगर आप ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंदर आपको 6 डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। इनका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, दीपम जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर पब्लिक एंटरप्राइजेस हो गया, डीएफएस हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड एक यहां पर इंपॉर्टेंट कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करने के लिए। दरअसल जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जी होते हैं ना, वो इसी डिपार्टमेंट को एक तरह से हेड करते हैं। तो अभी कौन है, ये जो आप सामने देख रहे हैं नागेश्वरन जी, ठीक है, ये करंटली हमारे आनंद नागेश्वरन जी, ये करंट हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। तो ये डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग आउट द इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो इनके रिगार्डिंग क्या होता है, जनरली इनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है, और यहां पर रीअपॉइंटमेंट भी पॉसिबल होती है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रिगार्डिंग। और जो हमारा आप जानते हो आईईएस जो सर्विस जो होती है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, तो उनके ऊपर भी कंट्रोल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ही होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल इनका हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर इकोनॉमिक सर्वे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा, कोई लॉ में भी नहीं लिखा, तो इसका फायदा क्या है, लाने की जरूरत क्या है? देखो, अगर आपको ना पता लगना चाहिए ना कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, हमारी गवर्नमेंट ने कैसे परफॉर्म किया, हमारे जो अलग अलग सेक्टर है, एग्रीकल्चर हो गया, सर्विसेज हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ओवरऑल पब्लिक फाइनेंस की बात कर लीजिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात कर लीजिए, उसका एक तरह का रिपोर्ट कार्ड मिलना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये रिपोर्ट कार्ड मिलेगा तभी तो आप पता लग पाओगे ना कि कैसा हमने परफॉर्म किया, उसी के बेसिस के ऊपर आने वाले साल के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता लग पाएंगी। तो यही सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे आपको बताता है। साथ में ही हमारी जो पॉलिसी होती है उसके अंदर, पॉलिसीज के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो पॉलिसी मेकर्स को भी एक तरह की किस डायरेक्शन में जाना चाहिए वो भी यहाँ पे बता दिया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जनरली जब मैं बात करता हूँ ना इकोनॉमिक सर्वे की, 2 वॉल्यूम्स होती हैं। पहली बात समझना कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि 2 वॉल्यूम होने जरूरी ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे था ना, उसकी सिर्फ एक ही वॉल्यूम आई थी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, तो पिछले साल सिर्फ एक ही आई थी वॉल्यूम 1, ठीक है, और पिछली बार थोड़ा सा अलग तरह से था, तो वहां पर जो हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने लेकर आए थे। पर जनरली हम अगर बात करें तो 2 वॉल्यूम्स होती हैं, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही वॉल्यूम्स होगी, हो सकता है 1 वॉल्यूम आए, हो सकता है 3 वॉल्यूम आए, हो सकता है ना भी आए, क्योंकि मैंने बताया ना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सच, तो इस तरह से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर जो नॉर्म चला आ रहा है वो यही है कि जनरली हमें 2 वॉल्यूम देखने को मिल जाती हैं। जो पहला वॉल्यूम होता है उसके अंदर थोड़ा हम यही बताते हैं कि करंट इकोनॉमी की हालत क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई हैं। जो सेकंड वॉल्यूम है वहां पर थोड़े स्पेसिफिक इश्यूज, जैसे आप बात कर लो हेल्थ की, बात कर लो एजुकेशन की, बात कर लो पॉवर्टी हो गया, इन सभी के ऊपर इस तरह से डिस्कशन देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजों आपको पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे क्या था, कैसे कैसे मूव किया। इसके साथ ही आप एक चीज और रियलाइज करो, हर साल जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता है ना उसकी कोई ना कोई थीम होती है। जैसे पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे की थीम थी अजाइल अप्रोच, ठीक है, बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ने किस बेसिस के ऊपर क्या क्या काम किया, कोविड-19 पेंडेमिक को टैकल करने के लिए क्या चैलेंजेस आए, एंड उस पर्टिकुलर चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, ये सारे तरीके इस तरह से हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सारी चीजें हाईलाइट होती हैं। तो थीम बड़ी होती है, मतलब ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सर्वे की थीम। इसके साथ ही आप जानते हो जीडीपी का डेटा, जीडीपी के नंबर्स क्या क्या चल रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयमेंट क्या क्या चल रही है, इंडस्ट्री के एफर्ट्स क्या हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा कैसा है, हमारा एक्सटर्नल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीजों के रिगार्डिंग डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो काफी एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट यहाँ पे ये होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सर इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट बहुत है, किस तरह से लाया जाता है, कौन बनाता है, वो भी सारी चीजें समझ गए, पर एक क्वेश्चन अभी भी दिमाग में रहेगा कि सर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, नहीं है, कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। अब खुद बताओ क्या बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट के गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनका हमें आइडिया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उन पॉलिसीज ने, उन स्कीम्स ने क्या किया क्या नहीं किया ये पता करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, पिछले कुछ सालों में ना, आई थिंक 2 साल पहले की बात है, एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर चैप्टर आया था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ऊपर। तो ये क्या है, गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है ऑन हेल्थ सेक्टर, तो इसने कैसा परफॉर्म किया, क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है, वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाते हैं।
ठीक है ना, इन अलग अलग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी होता है। इवन कुछ पॉलिटी हो गया वहां पे भी आपको डायमेंशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ कई बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी चीजों की बात होती है तो एनवायरनमेंट के ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशन आ जाता है। आपने देखो देना है मेंस का पेपर, ठीक है, या फिर आपको इंटरव्यू भी देना है, तो इंटरव्यू और मेंस के अंदर क्या होंगे, आपके आर्गुमेंट्स होंगे ना बहुत सारे, तो आर्गुमेंट्स कहाँ से आ सकते हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे से आएंगे। बहुत सारा आपको डेटा यूज करना होगा कि इंडिया की जीडीपी इतने परसेंट से ग्रो कर रही है, कहाँ से बताओगे, इकोनॉमिक सर्वे को कोट करो। कोई रैंडम रिपोर्ट कोट करने से बेहतर है इकोनॉमिक सर्वे को कोट करना। कई बार हो सकता है एनपीए के नंबर्स आपको कोट करने पड़े एग्जाम के अंदर, या इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे से बढ़िया कोई सोर्स ही नहीं है। हमारी जीडीपी फ्यूचर में कैसी प्रोजेक्टेड है, पिछले साल कैसा किया, हमारा एम्प्लॉयमेंट नंबर्स कैसे हैं, ये सारे डालने पड़ेंगे अपने एग्जाम के अंदर, नहीं डालने पड़ेंगे, बिल्कुल डालने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके साथ ही आपको बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे प्रीलिम्स की बात कर लो, मेंस की बात कर लो, इंटरव्यू की बात कर लो, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पर देखो जब तक हम एग्जाम्पल नहीं समझेंगे ना, तब तक लगेगा कि सर हवा में बातें कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पिछले सालों का इकोनॉमिक सर्वे है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने थे, ठीक है, पिछले सालों के अंदर हमारा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है उसने किस तरह परफॉर्म किया। तो ये सारे इकोनॉमिक सर्वे के स्क्रीनशॉट्स हैं, इनका परफॉर्मेंस हो गया, गवर्नमेंट ने किस तरह से इसको प्रमोट किया है, ये सारी चीजें हो गया। उसी तरह से काउंटर साइक्लिकल कंजर्वेशन बफर हो गया, काउंटर साइक्लिकल हमारी फिस्कल पॉलिसी, इसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने बात करी है। जब हमारे 1969 में आप जानते हो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, उसके 50 साल बाद 2019 में इसके 50 ईयर्स हो गए थे, बेसिकली गोल्डन जुबली हो गई थी। तो यहाँ पर भी इन्होंने ना प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से एक्सप्लेन किया कि बैंक नेशनलाइजेशन से कोई चीजें अच्छी हुई हैं, कोई चीज खराब हुई है, उनका इम्पैक्ट क्या हुआ है। तो इस तरह के मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर इवन इंटरव्यू के अंदर कि आपको क्या लगता है प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर, तो पीछे कोई डेटा तो होना चाहिए ना, तब तभी तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे। ऊपर से डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर इनका एक चैप्टर आया था अभी रिसेंटली, वहां पर भी बताया था कि क्या डिसइन्वेस्टमेंट से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सारे आर्गुमेंट आपको मेंस और इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ऊपर से ये पिछले साल का ही इकोनॉमिक सर्वे, आई मीन पिछले या पिछले साल का, वहां पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर एक अलग से चैप्टर आया था, ठीक है। जो लोग मेरे साथ कोर्स में पढ़ते हैं, चाहे ऑफलाइन हो गया या ऑनलाइन हो गया, वो जानते हैं कि मैं जब भी आपको पढ़ाता हूँ मैं पीछे इकोनॉमिक सर्वे को बहुत बार कोट करता हूँ, आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाए जाते हैं। रीजन क्या है कि सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट यही है, सबसे ऑथेंटिक चीजें यहीं पे आपको देखने को मिलती हैं। कोई भी नंबर आप कोट कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली एक हायर मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऊपर से जो लैंग्वेज यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे यूज करता है वो भी आपको बहुत अब हेल्प करेगा। आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे आपने ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के बारे में सुना है, ठीक है, जो इकोनॉमी अच्छे से जानते हैं वो जानते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम भी दरअसल में ना इकोनॉमिक सर्वे ने ही बोली थी, ठीक है। उसके साथ ही आप नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल चक्रव्यूह चैलेंज हो गया, ठीक है, या फिर जो अजाइल अप्रोच की मैं बात कर रहा था, ये इस तरह के बढ़िया बढ़िया जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सारे आपको सीखने को मिलते हैं इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू ही। इन पॉइंट्स को अपने आंसर में कोट करोगे, डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे। ऊपर से आप देखो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले साल का मैंने इंडेक्स बनाया है कि पिछले साल के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी। अब आप नोटिस करो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की क्या हालत है, क्या हमारे यूपीएससी के एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। फिस्कल डेवलपमेंट क्या क्या होनी है, बिल्कुल। एक्सटर्नल सेक्टर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे पढ़ते हैं ना, तो वो सारी चीजें हो गया। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो गया, इन्फ्लेशन इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, ये सारी चीजें। क्लाइमेट चेंज हमारा GS3 के अंदर इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर तो मेंस में आता ही है, ठीक है, हर साल 50 नंबर का पेपर एग्रीकल्चर से आता है। इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पर्टिकुलर टॉपिक भी आपको मेंस में देखने को मिल जाएगा। सर्विसेज सेक्टर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सारे टॉपिक्स इस तरह से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूँ। देखो ये देखो, यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन किसके ऊपर था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर। क्यों पूछा गया, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में अलग से एक चैप्टर था, ठीक है ना, एक फुल फ्लेज्ड चैप्टर यहाँ पे डिस्कस किया गया था इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, और काफी डिस्कशन हुआ उसके बाद, बहुत सारे न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल आते रहे, तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछना बनता भी था। आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, ठीक है ना, कि इसके वाले का आंसर क्या है। तो अगर इकोनॉमिक सर्वे किसी ने पढ़ा होता ना, थोड़ा सा बेसिक आइडिया भी रखा होता, ट्रस्ट मी दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इजी। ये 2019 का क्वेश्चन देख लो, 2019 का क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा गया कि राइस का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर क्या है। अब जब भी इकोनॉमिक सर्वे आता है ना, अभी देखा था ना पीछे एग्रीकल्चर टॉपिक, ये देखो ये दिखाया था ना मैंने, ये देखो एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, इस तरह के टॉपिक्स हमें देखने को मिल जाते हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर इस तरह के ना बहुत अच्छी खासी रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे ये देखो टॉप 10 एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। तो इससे हमें, अगर हमने ये पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आंसर वहां पर मिल जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इसके अलावा भी ये 2019 में पूछा गया कि जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा, सबसे वैल्यू किसकी ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं।
अब ये सारे क्वेश्चंस भी आपको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मिल जाएंगे। नीचे मुझे आप कमेंट्स में इसका भी आंसर बताओगे कि इसका आंसर क्या है। उसी तरह से यूपीएससी 2020 में एक क्वेश्चन आया सीपीआई के ऊपर, डब्ल्यूपीआई के ऊपर, क्या चीज किसके रिगार्डिंग है। अब इस तरह के बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर्स जहां पर सीपीआई डब्ल्यूपीआई का जिक्र होता ही होता है। अभी चैप्टर दिखाया था ना मैंने इन्फ्लेशन और प्राइसेस के ऊपर, उस पर्टिकुलर चैप्टर में इसका भी डिस्कशन था। तो बहुत सारे आपके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट या तो समझ आ जाएंगे या फिर रिवाइज कर लोगे अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो हमारे प्रीलिम्स के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू का भी मैंने बता दिया कि आपको इन्फ्लेशन हो गया, इनके रिगार्डिंग आर्गुमेंट्स देखे जा सकते हैं। सिमिलरली आप देखो ये मेंस का क्वेश्चन, ये 2021 में मेंस का क्वेश्चन आया था कि क्या आपको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी ने रिसेंटली वी शेप्ड रिकवरी करी है, और इसके रिगार्डिंग आप अपने कुछ आर्गुमेंट्स दो, कुछ रीजंस दो अपने रिपोर्ट के अंदर। अब देखो ये आप जाना इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का, ठीक है। यहां पर ना वी शेप्ड रिकवरी उसका जो चैप्टर वन है उसमें रिगार्डिंग यही बातें करी गई हैं कि क्या हमारी रिकवरी कैसी रही है, क्या इंडिया की अप्रोच अच्छी है नहीं है, वैक्सीन का क्या हेल्प हुआ है। वहां पर वी शेप्ड रिकवरी को एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया है। तो यहां पर इसका पहला पार्ट कि क्या आप अग्री करते हो या नहीं करते हो, और दूसरा इसके रीजन रिपोर्ट के अंदर अपने जो रीजन देना, ये सारी की सारी चीजें एज इट इज, ठीक है ना, कट कॉपी पेस्ट जिसको बोलते हैं ना, वो आप इकोनॉमिक सर्वे से यहाँ पे कर सकते थे। और जिसने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होता बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स लिख के आता कि वी शेप्ड रिकवरी है या के शेप्ड रिकवरी है, आसानी से आप वहां तक पहुंच सकते थे। तो कहने का पॉइंट क्या है, उसी अलावा ना इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन था, वो भी सेम क्वेश्चन आप यहाँ से यूपीएससी इकोनॉमिक सर्वे से कर सकते थे। तो कहने का पॉइंट ये है इकोनॉमिक सर्वे अगर आप इकोनॉमी को पसंद करते हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली इकोनॉमिक सर्वे। साथ ही साथ बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर जब जो भी एस्पिरेंट हो तो वहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ योर, हमारी करंटली इकोनॉमी क्या चल रही है, आने वाले टाइम्स के अंदर हमारी क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स कैसे परफॉर्म करिए, सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होती हैं। प्रीलिम्स हो गया, मेन्स हो गया, इंटरव्यू हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। आज के दिन हमने क्या पढ़ा, आज के दिन 29 जनवरी को हमने क्या पढ़ा, हमने इकोनॉमिक सर्वे का बैकग्राउंड पढ़ा कि इकोनॉमिक सर्वे का मीनिंग क्या होता है, इसका जो स्टैटिक पोर्शन था वो समझ लिया। अब परसों 31 जनवरी को हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा उसकी कुछ की हाइलाइट्स की, क्या डिस्कशन हुआ, क्या उसकी थीम क्या थी, वो सारी बातें। उसी तरह से 30 जनवरी कल हम पढ़ेंगे बजट का कुछ स्टैटिक पार्ट, जो भी इसके रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिमिलरली 1 फरवरी को जब बजट आ जाएगा तो बजट की भी हम हाइलाइट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर ट्रस्ट में आप 4 दिन हमारे साथ रहते हो, इन सारी भी वीडियोस को कंटिन्यूअसली और बहुत ही गहराई से फॉलो करते हो, तो जो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि इकोनॉमिक टेक्निकल है पर टफ नहीं है, ट्रस्ट में ये चीज आप खुद 4 दिन बाद रियलाइज कर लोगे। तो अगर आप मेरे साथ प्रॉमिस करते हो कि अगले जो नेक्स्ट 4 डेज है आप सारी की सारी अच्छे से वीडियोस देखोगे, उनके आप अच्छे से उनको फॉलो करोगे एंड साथ ही साथ उनको अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, तो एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर चीज के साथ एग्री करते हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इकोनॉमी इज टेक्निकल बट नॉट टफ। जो स्टैटिक होगा हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स होंगे, जो भी नए अनाउंसमेंट्स होंगी उनको भी डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, क्या इसका मीनिंग होता है, क्या हमारे यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आपने अच्छे से समझी होंगी, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। कल मिलेंगे बजट के साथ। गुड बाय एंड गुड लक।